गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड सीनियर के जी, सब्जेक्ट हिंदी। ओके, सब्जेक्ट हिंदी में आज मैं आपको वर्णमाला कराऊंगी। वर्णमाला क ख ग घ ङ, राइट। वर्णमाला में खाली जगहों को पूरा किया है ना, या रिक्त स्थानों के पढ़िए। तो यहाँ मैंने लिखा है यहाँ न आ जाएगा, है ना। तो रिपीट करेंगे, क ख ग घ ङ च छ ज ज। च छ ज ज या, ओके। ट ठ ड ध न, त ठ ड ध न। यहाँ लिखिए, फ फ भ भ म, है ना। अब फिर से इसको रिपीट करेंगे हम, बोले क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, ङ खाली, च से चरखा, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झरना, ङ खाली, ट से टमाटर, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, न खाली, त से तलवार, थ से थर्मस, द से द्वार, ध से धनुष, न से नट, फ से कटम, फ से फर, ब से ब, भ से भालू, म खाली। ओके, तो ये आपका वर्णमाला है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि खाली जगहों को पूरा कीजिए। तो उसमें कैसे आपको लिखना होगा, खाली जगहों को पूरा करना, जैसे क से घ तक दे दिया, या क से ख तक दे दिया, ट से ट तक दे, तो वहाँ आपको लिखना होगा। ओके, फिर चित्र को पहचान कर वर्ण लिखिए। चित्र बनाया हुआ होगा, उसको आपको पहचानना है, देखना है, फिर वर्ण लिखना है ना। तो अभी हम आपको वर्णमाला बताएं, राइट। इसे लिख लीजिए, मैं साइड में हो जाती हूँ, इसे इरेज करती हूँ। भरो या रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, या खाली जगहों को भरो, या खाली जगहों को पूरा करो। ओके, तो यहाँ ऐसे आ सकते हैं, है ना। तो अभी हमें क्या लिखना है, यहाँ जैसे हमने लिखा क से न तक लिखी है, क से न तक। ओके, ऐसे वर्कशीट में आके आएगा, क से न तक लिखिए वर्ड वाला, है ना। तो यहाँ ऐसे जैसे हमने लिखा क डैश डैश क क ख ग घ और यहाँ डैश, राइट। फिर यहाँ हम लिखेंगे ज ज
है ना, है ना। तो आपको इस तरह से भी आ सकता है, इससे हट के भी आ सकता है, अलग भी आ सकता है ना। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ घ लिखा है तो घ ही हो, हो सकता है क ख यहाँ घ हो यहाँ घ ना हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो आपको ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है ना। हमें किसी तरह से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या खाली जगहों को भरिए या पूरा कीजिए, आएगा तो हमें इसी तरह से लिखना है, राइट। तो अभी हम यहाँ देखें क के बाद क्या आएगा, ख, ख के बाद क्या होगा ग, घ अंग है ना, च छ ज झ है ना, ट न हो गया, त थ ज ध है ना, यहाँ आ जाएगा आपका न। तो ये आपका कंप्लीट क से लेकर न तक लिखिए, है ना। तो ऐसे लिखने के लिए आएगा, या खाली जगहों को पूरा करो, या नहीं खाली जगह पूरा करना होगा तो आपको ऐसे डैश आ जाएगा, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ यहाँ से न, है ना। फिर आपको कैसे लिखने के लिए आएगा, प्रश्न नंबर टू है ना। तो इसमें वर्कशीट में ऐसे आएगा आपको कि प से लेकर, है ना, प से लेकर कहा ग तक लिखिए, ऐसे ग तक लिखिए, है ना, से लेकर गया तक लिखिए, राइट। तो हमें कैसे लिखना है, प से गया तक कैसे लिखेंगे, यहाँ यहाँ आपका हो सकता है तो बॉक्स दिया होगा या डैश रहेगा, है ना। अगर बॉक्स रहने के ऐसे म, ओके। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, यहाँ प्रश्न क्या है, प, तो यहाँ प भी दिया होगा, है ना। प के बाद क्या आएगा, ख, देखिए प के बाद क्या आएगा, ख, ख के बाद ब, ब, ब के बाद भ, भ के बाद म, प ख ब भ म, यहाँ आएगा य र ल व स ह छ त्र, यहाँ आ जाएगा आपका, दिख रहा है, यहाँ यही लिख दीजिए ग्य, है ना। तो हमें लिखना है य ल व, सपेरा का स, स सलगम का स, सचकोन का स, ह छ त्र ग्य, है ना। तो कैसे यहाँ लिखेंगे, लिखिए य का य,
रथ का र, ल लड्डू का ल, व वक का व, स सरगम का स, है ना, स षटकोण का स, स षटकोण का स, देखिए फिर ग्यारह ल व स, स सपेरा का स, है ना, स सपेरा का स, ह ह हल्का ह, ह हल्का ह, छ है ना, प ख ब भ म, है ना, य र ल व त र स ध न स दंत स ह छ त्र ज्ञ, राइट। तो यहाँ हमने क्या आपको कराया, प से लेकर ज्ञ तक लिखिए, है ना, या ऐसे भी आ सकते हैं, यहाँ से ज्ञ से लेकर य से लेकर ज्ञ तक लिखिए, है ना। तो य र ल व सगम का स, स षटकोण का स, स का स, ह छ त्र ज्ञ, है ना। तो ये आपका वर्णमाला कंप्लीट हो गया, है ना। जैसे कि फिर से मैं इरेज करके आपको बताती हूँ, देखिए अब यहाँ प्रश्न थ्री में आ जाएगा, य से लेकर, य से लेकर य तक लिखिए, है ना, यह से लेकर यह तक लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ यहाँ भी आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन में, य से लेकर यह तक, तो कैसे लिखना है आपको, य र ल, है ना, व सरगम का स, षटकोण का स, ना, है ना, ये आपका हो गया, य र ल व त र स ध न स ध न स ह छ त्र ज्ञ, य ल का य, य र का र, ल लट्टू का ल, व ब का ह, स सरगम का स, स षटकोण का स, स सपेरा का स, ह हम का ह, छ छठ का छ, त्र सृष्टि का त्र, य ज्ञानी का ज्ञ। ओके, अब यहाँ देखिए चित्र को पहचान कर सही वर्णमाला,
हम थ्री चार्ट है ना, चित्र को पहचान कर याद रखिए, चित्र को चित्र को पहचान कर सही वर्ण है ना लिखिए, यहाँ लिखिए नीचे हम क्या कौन सा चित्र बनाएंगे है ना, कौन सा यहाँ जैसे हमने बनाया ना? अब इसमें आपको लिखना है ना, ठीक है, फिर हमने बनाया तो क्या है कमल, इसके लिए यहाँ आ जाएगा राइट right? अब हमने बना दिया है ना, गमला का ग है ना, ग गमला का ग हो जाएगा, क्या है ये गौ गंगा का गौ में आ गया आपका, है ना, तो कोई सा यहाँ भी बॉक्स बना रहेगा, ऐसे बॉक्स बना रहेगा या डैश भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि बॉक्स ही होना चाहिए है ना, तो यहाँ क्या रहेगा इसे डैश रहेगा, ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, यहाँ क्या लिखना है आपको आ से आ है ना, फिर आ से आम, फिर लिखिएगा यहाँ ग से कमल, यहाँ ग से गमला है ना, अ से आम, अ से कमल, ग से गमला है ना, और ई से इमली भी बन सकता है, अंगूर वगैरह, कोई सा भी पिक्चर आपके लिए आएगा उस पिक्चर को आपको पहचानना है, वहाँ उसका वर्ड लिखना है, तभी आपका ये जब आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं फिर फिलहाल आपको तीन पिक्चर बना के दिखाई है ना, ऐसे ही पिक्चर आएंगे और आपको लिखना होगा।